हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज आपको व्रत के खाने में कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले मैंने एक बोल कुट्टू का आटा लिया है, जिसको मैं अभी बनाऊंगी। इसमें मैं 2 चम्मच मोइन के लिए घी डालूंगी, क्योंकि व्रत है तो व्रत में घी ही यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। वैसे आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। दो चम्मच सेंधा नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च और इसमें मैं बॉइल्ड आलू कद्दूकस कर दूंगी। 3 बॉइल्ड आलू मैंने लिए हैं इसके लिए। इसमें मैंने एक बोल आटे के साथ 3 आलू लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, इसका एक डो तैयार करेंगे। इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ डाल के ये गीला भी हो जाता है, तो डालते रहिए जितना ज़रूरत के अपने अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, पानी इसका मैंने एक डो बना लिया है, डो तैयार कर लिया है। इसमें हल्का सा घी का हाथ हम लगा देंगे और इसे मैं अब 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। अब हमारा डो पूड़ी के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए कैसे फूल रहा है ऊपर को, मैं दबा रही हूँ। तो अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। पहले गैस ऑन कर लेते हैं। हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, जिसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, और साथ में हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, जो कि कुट्टू का आटा चिपकता है। एक लोई हाथ में लेंगे छोटी सी, वैसे तो हम हाथ में भी इसे बना लेते हैं ऐसे, या अगर आपको नहीं बनानी आती तो थोड़ा सा चकले में घी लगा के उसको ऐसे हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, आपकी अच्छे से पूड़ी बन जाती है कुट्टू के आटे की। ये देखिए, ऐसे मैं पूड़ियाँ बना के पहले रख लूँगी। मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं थोड़ा आटा लेके एक बार जस्ट देख रही हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं, नहीं तो मेरी पूड़ी, हाँ देखिए कितने अच्छे से वो हो रहा है, इसका मतलब मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पूड़ी डालूंगी अपनी। इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, अदरवाइज पूड़ी बाहर बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए, और पूड़ी को थोड़ा हिलाते रहिए, हल्का सा प्रेस करते रहना पड़ता है। एक बार पलट लेंगे हम इसे। अब इसे बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना है, बहुत हल्के हाथ से। ये मेरी पूड़ी अच्छे से फूल रही है। बस जब तक ये ब्राउन ना हो इसको पकाऊंगी, उसके बाद दूसरी पूड़ी डाल दूंगी। होने लगी, देखिए मैं इसके साथ साथ ही इसमें दूसरी भी पूड़ी डाल दूंगी। जब ये फूल गई तो साथ में दूसरी डाल सकते हैं। इसको पलटते रहेंगे। अच्छा कलर आ गया है इसका, एक बार और पका लेती हूँ। देखिए हमारी पूड़ियाँ तल के रेडी हैं। अब मैं सब्जी बनाऊंगी। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी, और जो लोग व्रत में जीरा नहीं खाते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं, हम लोग खाते हैं तो मैंने डाल दिया है। और जीरा जैसे ही थोड़ा तड़कने लगेगा इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी। जीरे के ब्राउन होने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। देखिए
हरी मिर्च जब हमारी थोड़ा सा भुन जाएगी तो हम मिर्च जब भुन जाएगी तो हम इसमें अदरक मैंने ग्रेट करके रखा है इसमें अदरक डालेंगे। और अदरक के भुनते ही इसमें मैंने 4 टमाटर ग्रेट करके रखे हैं उनको डाल देंगे। घी है ना, ये घी से आग आ रही है, इसमें घी आग पकड़ता है। चलो अब हम इसमें आलू डालेंगे मैश करके। इसके लिए मैंने 250 ग्राम आलू लिए हैं। और इसमें मैं अब पानी डाल दूंगी। आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए पानी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनके रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बोल में डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, नहीं तो आप इसके ऊपर से हरा धनिया। तो रेडी है हमारा खाना, व्रत का खाना। आप लोग भी इसको बनाइए घर पे और ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया मेरा खाना तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।